Good morning, Bachalok. I hope everyone is fine. How are you all? You can type me, you can comment me, and tell me how are you all. And I hope everyone is fine and safe. Be inside your house and be happy and be healthy, everyone. Okay, today we are going to study chapter 2 subject and predicate. I hope everyone remembers the last chapter, the sentence. So comment me and tell me how many kinds of sentences are there. Fast. okay, recall in your mind four ki four kinds of sentences were there. What were there? Assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, and exclamatory sentences. Now in this chapter, we will be studying that sentences only. In that how many uh, in that uh, uh, how that sentence is divided this that sentence is made up of mainly two parts that sentence what all the four kinds of sentences you have studied they all are made up of two parts two main parts let's see what are they chapter 2 subject and predicate so we have studied sentences in last chapter टेंसेज दिज सेंटेंसेज कंप्राइजेस ऑफ टू मेन पार्ट्स वॉट आर दे वन इज द सब्जेक्ट अदर वन इज द प्रेडिकेट एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है इन्हीं दोनों को जोड़कर ही एक सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है ओके वेन वी कंबाइंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टूगेदर देन वन कंप्लीट सेंटेंस इज फॉर्म्ड सो लेट्स सी फॉर एग्ज़ाम्पल वॉट वॉट इज सब्जेक्ट अब ये सब्जेक्ट क्या है फॉर वी विल गो विद द एग्जाम्पल दैन वी विल सी वॉट इज़ सब्जेक्ट वॉट इज प्रेडिकेट प्रेडिकेट क्या है हाउ यू विल डिस्टिंगश दिज टू और ये डिस्टिंग डिस्टिंगश करने के लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे डिस्टिंगश करेंगे आप इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे डिस्टिंगश करेंगे एक्सक्लानीटरी में कैसे करेंगे तो इसमें हम लोग सारी चीज़ें सीख लेंगे आज ओके We will be starting with the assertive sentence. For example, this example is already given in your book. Okay, so I will go on with that so that it will be easier for you to understand also. She waters the plants regularly. She waters the plant regularly. In this, what is subject and what is predicate? See, she is subject. Waters the plant regularly predicate. She, she is the subject. Why she became the subject? Now let's see what is subject. Subject मेनली हैपन्स विद द नाउन और द प्रोनाउन सब्जेक्ट मेनली क्या होता है मेनली नाउन या फिर प्रोनाउन होगा और अगर आप ऐसा सोचो सेंटेंस पढ़ो शी वॉट इज द प्लांट रेगुलरली शी मीन्स वह वह क्या करती है वॉट इज द प्लांट रेगुलरली वी आर टॉकिंग इन दिज सेंटेंसेस अबाउट टू थिंग्स पहला हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं एंड सेकेंड थिंग उसके बारे में कुछ बात बताते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं या वी आर टॉकिंग अबाउट द शी गर्ल यर वी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल शी किसके बारे में बात कर रहे हैं लड़की के बारे में तो जिसके बारे में बात करेंगे दैट विल गो अंडर द सब्जेक्ट और लड़की के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वॉटर्स द प्लांट रेगुलरली सॉरी वॉटर्स द प्लांट रेगुलरली वॉट इज शी डूइंग शी इज वॉटरिंग द प्लांट रेगुलरली सो टू पार्ट्स केम ओवर यर टू पार्ट्स फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल द सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं या फिर जिसके बारे में बात बताते हैं दैट कम्स टू बी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हो जाता है और मोस्टली इट विल कम लाइक द सब्जेक्ट विल बी मोस्टली द नाउन और द प्रोनाउन मैक्सिमम टाइम्स नॉट ऑलवेज मैक्सिमम टाइम्स इट विल बी नाउन और द प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स आर द प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें आपको बताई जाती हैं सेंटेंस में उस सेंटेंस में दैट कम्स अंडर द प्रेडिकेट सो वाट इज सब्जेक्ट द थिंग अबाउट विच वी आर सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ थिंग अबाउट विच अबाउट विच और अबाउट होम समथिंग इज सेड जिसके बारे में कुछ बोला गया है जिसके बारे में दैट थिंग इज द ओनली सब्जेक्ट and what is the predicate Pre predicate is the that part of the thing about which see if you see in your book also it will be like this subject is that part of a sentence which about which something is said about which about whom we have we were talking we were talking about she she the girl we were talking about this girl predicate is that part of a sentence which tells something about this subject एंड इट रिफर्स टू एस वर्ब एंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिस इस लड़की के बारे में इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही गई हैं वो क्या होती हैं प्रेडिकेट होती है एंड इट हैपन्स टू बी द वर्ब एडिशन ऑफ अदर थिंग्स वॉटर्स वॉट इज द वर्ब द प्लांट रेगुलरली इज द सब्जेक्ट आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल प्रेडिकेट वॉट इज प्रेडिकेट the thing that is said about the predicate okay i hope this part is clear to you all now we will go with the other examples for uh, uh, like this was the assertive sentence okay i will be teaching you in your syllabus only two kinds of sentences are differentiated with the subject and the predicate and later on you will study the other things that means sentences ke types of padha tha assertive imperative interrogative and exclamatory दिस फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज यू हैड स्टडीड बट वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट ओनली टू काइंड ऑफ सेंटेंसेज विद देअर सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट सिर्फ दो पार्ट्स के हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे वाई बिकॉज दिस टू पार्ट आर गिवन इन योर सिलेबस एंड दस्ट यू विल भी स्टडी इंट्रोगेटिव एंड द एक्सपलेटरी इन योर अदर क्लासेज वैन यू गो इन योर हायर क्लासेस दैन यू आर गोइंग टू स्टडी दैट चलो तो एसर्टिव मोर एग्जाम्पल आई विल गिव स्टार्स ट्विंकल इन द स्का इन द स्काई

stars twinkle in the sky so that part of the sentence is the predicate that part of the sentence is the predicate i hope this is clear for you all other more examples are there like this is a uh, amazing scenery okay this we are talking about this so this becomes the subject. Is a amazing scenery predicate. That is a bicycle. That subject is a bicycle predicate. Okay. I hope this part is clear to you all. Next kind of sentence is imperative sentence. If you remember imperative sentence we' are giving command order, request and these all things were included in the imperative sentence. For example, get out. Get out is the sentence. When teacher says or someone says you get out. so who she is indicating she is indicating someone with the pointing or some she is indicating some particular person by the अ uh, by some actions इशारे से बता रही है कि you get out but you is hidden here you यहाँ पे क्या हुआ है छुपा हुआ है you was the subject and get out is fully the predicate ये पूरा क्या है predicate है इसमें कोई भी subject नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि प्रेडिक जो भी सब्जेक्ट है हमारा वो यू होगा किसको बोला जा रहा है गेट आउट जिसको गेट आउट बोला जा रहा है वो होगा हमारा सब्जेक्ट यू गेट आउट अभी स्विच ऑफ द फैन और स्विच ऑन द फैन दिस इज ऑल्सो द इंपरेटिव सेंटेंस स्विच ऑन द फैन किसको बोल रहे हैं स्विच ऑन फैन किसको बोल रहे हैं यू स्विच ऑन द फ़ैन या फिर बोलेंगे राम स्विच ऑन द फैन सीता स्विच ऑन द फैन रिया स्विच ऑन द फैन तो रिया जिसका भी नाम लिया जाएगा दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ द सब्जेक्ट एंड द स्विच ऑन द फैन इज़ फुल्ली द प्रेडिकेट अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस कम्स इन योर एग्ज़ाम सो यू विल राइट दैट एज़ ओनली द प्रेडिकेट क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता सब्जेक्ट वहाँ पे छुपा होता है आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड गुड लक इन्जॉय एंड डू द एक्सरसाइज योर सेल्फ दैन वी विल मीट सून बाय बी सेफ एवरी वन